ये देखिए गाइस, हमारी आज की रेसिपी मैगी के कोफ्ते। तो देखिए और देखिए कि कैसे बने हैं, और एकदम यम्मी टेस्टी और डिलीशियस, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में, तो इसको बनाइएगा ज़रूर। तो देखिए हमारी ये रेसिपी कि ये कैसे बनी है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस में। गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी की, देखिए मैगी मंचूरियन आप लोगों ने खूब खाया होगा, बट मैगी के कोफ्ते नहीं खाए होंगे और आपने यूट्यूब पर देखे भी नहीं होंगे। तो आज चलिए देखते हैं मैगी के कोफ्ते की कैसे बनते हैं। तो चलिए बनाते हैं। देखिए गाइस, एक पैकेट को हम अलग हटा के रख देंगे और एक को हम ओपन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इसको अलग हम निकाल के रखेंगे। ये देखिए गाइस, दो हमने मैगी के पैकेट ले लिए हैं, ठीक है। और जो ये स्वाद टेस्ट मेकर है यानी मैगी का मसाला, इसको हम रख देंगे, अभी इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसको बनाना। अब इसको हम तोड़ लेंगे अच्छे से इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, और इसको अब हम पानी में बॉयल करेंगे। देखिए गाइस, ये एक पतीला ले लिया हमने, ठीक है, उसमें हमने दो ग्लास पानी रख दिया, तो इसमें बॉयल अच्छे से आने देंगे। ये देखिए गाइस, पानी में बॉयल आ गया है, तो अपनी जो मैगी हमने तोड़ के रखी थी वो इसमें हम ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट तक हम पका लेंगे जैसे नॉर्मली मैगी पकाते हैं। तो मिलते हैं 2 मिनट बाद। ये देख सकते हैं गाइस, हमारी लगभग बॉयल हो चुकी है क्योंकि हमें इसे बॉयल करना है, और ऐसे आप तोड़ के देख लीजिए, ठीक है, ऐसे तोड़ के देखेंगे तो बिल्कुल मसलनी चाहिए, बस इतनी रखें। और हम इसको स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने फ्लेम बंद कर दिए और उसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से स्ट्रेनर या छन्नी कुछ भी ले लें आप, उसमें निकालें, क्योंकि इसे इसका पानी नहीं चाहिए, हमको सूखी मैगी चाहिए खाली। ये देखिए गाइस, जब तक ये हमारा पानी इसका निकल रहा है तब तक हम देख लेते हैं दूसरा इंग्रेडिएंट यानी ये मैगी। इसको भी हम बिल्कुल तोड़ लेंगे बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए गाइस, इसका भी टेस्ट मेकर अलग हटा लेंगे और इसको एकदम महीन कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से तोड़ लेंगे। अब ये देखिए गाइस, इसको हम इसमें ऐड डाल लेंगे, ठीक है, और अब इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, प्याज एक बारीक कटा हुआ छोटा मीडियम साइज का प्याज है, ठीक है, और ये जो टेस्ट मेकर हम निकाल के रखे थे तो इनको भी हम इसी में डालेंगे इस तरह से। और देखिए, एक पाउच जो हमारा बचा है उसको भी हम रख लेंगे। और ये देखिए, इसमें हम कुछ ऐड करेंगे सॉल्ट, थोड़ा सा ऐड करेंगे बिल्कुल, ये हमारा बिल्कुल मैजिकल सॉल्ट है, क्योंकि इसको डालने के बाद हमें किसी मसाले की जरूरत नहीं होगी पहली बात तो। अब ये है बेसन, 1 स्पून हम बेसन डालेंगे और अच्छे से इसको मिलाते हुए हम देखेंगे। देखिए इस तरह से करते हुए हमें मैश मिलाना है, ठीक है, और हमें इतना करना है कि हमें इसकी बॉल्स बन जाए अच्छे से, तो इतना हमें इसमें बेसन का डो लगाना है। अगर आप बेसन नहीं मिलाना चाहते तो आप कॉर्नफ्लोर, आरारोट, ये चीजें भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये 2 स्पून है, इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए गाइस, अच्छे से मिल चुका है बेसन की, अब हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 स्पून हमें बेसन लगा है, तो इसमें हम 1 स्पून करीब ऑयल डालेंगे इस तरह से, सिर्फ 1 स्पून डालेंगे, ज्यादा नहीं ऐड करेंगे। और अब इसको हम हाथ से इसकी बॉल्स बनाएंगे जैसे कि हमारे कोफ्ते में बनती है, ठीक है। आप मसलिएगा नहीं बिल्कुल, ये समझ लीजिए हाथ से बिल्कुल मसलना नहीं, बस इसको हल्के हाथों से सिर्फ मिलाना है, ठीक है। तो इस अब हम इस सब बैटर को साफ कर लेंगे और इसकी बॉल्स बनाएंगे। थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा लेंगे, ये देखिए थोड़ा सा हमने ऑयल ले लिया। अब इसको इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे बिल्कुल इस तरह से, इस तरह से, और अपनी सारी बॉल्स को बना के रखेंगे। और इसमें हम जो सूखी है मैगी उसको हम इस तरह से लपेटते जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये देखिए, उसके बाद ऐसे कर देंगे इस तरह से, जो एक्स्ट्रा होगी वो छूट जाएगी और जितना लगना होगा उतना लग जाएगा। ये देखिए कितनी प्यारी बन के आई है मैगी, देख सकते हैं आप पास से। तो इसी तरह से सारे बॉल्स बना के हम रख लेंगे। ये देखिए गाइस, 9 पीस हमारे बन के तैयार हैं, 2 मैगी पैकेट में, और ये इतनी सी बच गई है, तो कोई बात नहीं, ये भी हमारा इस्तेमाल हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको फ्राई करते हैं।
ये देखिए गाइस, हमने पहले ही कढ़ाई में ऑयल रख दिया था जो कि धीमी फ्लेम पर हो गया है, तो इसको अब हम डालेंगे इसमें और एक बार में जितने आ जाए बस उतने ही हमें अच्छे से पकाने हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस, इसको हल्के हाथों से बिल्कुल बढ़िया भून फ्राई करना है, ठीक है, इस तरह से, और इसमें ज्यादा छिड़कानी नहीं करनी है और गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत धीमी फ्लेम भी ना हो और बहुत तेज फ्लेम भी ना हो, तो इसको हम पकाते हैं। ये देखिए गाइस, इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है, अब इसको हम अलग निकाल के रख लेंगे, ठीक है, अलग प्लेट में इस तरह से यहाँ पर हम रख लेंगे और इसी तरह से हमको सारे के सारे फ्राई करने हैं, क्योंकि फ्लेम धीमी रहेगी तो ये अंदर तक फ्राई होंगे और अगर फ्लेम तेज कर दोगे तो ऊपर ऊपर फ्राई हो जाएगा और नीचे वैसे का वैसा ही रहेगा, इसलिए धीमी फ्लेम पर ही फ्राई करना है इस तरह से। ये देखिए गाइस, अब हमने निकाल दिया, तेल भी एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया है और ये डालेंगे हम जीरा एक स्पून, जिसको भून लेंगे अच्छे से। अब ये देखिए गाइस, जो हमने प्यूरी बना के रखी है टमाटर प्याज और लहसुन की, वो डालेंगे हमने लहसुन टमाटर और प्याज, अदरक का पेस्ट बनाया था वही हमने ऐड किया हुआ है। देखिए इसमें आप अगर लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप उस एक टमाटर की जगह पर टमाटर की ग्रेवी ज़्यादा कर लीजिए, दो टमाटर कर लीजिए और उसको हम थोड़ा सा पकाएंगे और इसमें और मसाले ऐड करेंगे। देखिए गाइस, प्याज और लहसुन टमाटर और अदरक और इसमें हमने दो हरी मिर्च भी ऐड करी हैं, तो हम इसमें मिर्च नहीं डालेंगे। अब ये डालेंगे हम हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून, धनिया पाउडर, ठीक है, और इसमें लाल मिर्च की जगह पर हमने पेस्ट में हरी मिर्च पीस ली थी दो, इस वजह से हम इसमें लाल मिर्च नहीं ऐड करेंगे। आप अगर चाहें टेस्ट के हिसाब से तो आप इसमें लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, आप लोगों को कई बार बता चुके हैं, तो वो तीखा नहीं खाते, इस वजह से हमने नहीं किया हुआ है। ये देखिए गाइस, अब इसमें हम डालेंगे बेसन अपना हाफ टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमको अच्छे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं चाहिए और हम थोड़ी सी सब्जी बना रहे हैं दो लोगों के लिए, दो से तीन लोगों के लिए, तो इतना बेसन इनफ है। अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे। देखिए हमने कोफ्ते इसलिए बनाए हैं मैगी के, क्योंकि देखिए अक्सर करके देखिए सॉसेस वगैरह सबके घर में नहीं होते उसको, ठीक है, सारे कुछ, तो हम ऐसे सिंपल सब्जी की तरह भी बना के इसको खा सकते हैं, तो इसको अच्छे से पकाना है जब तक इसमें ऑयल ऊपर ऊपर ऑयल ना दिखने लगे, तो अच्छे से इसको पकाना है। एक बात और गाइस, अगर आप धनिया पाउडर, जैसे हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया हुआ है, आप अगर धनिया पाउडर नहीं भी ऐड करते हैं तो भी अच्छा बनेगा, क्योंकि मैगी मसाला में सारे मसाले होते हैं, सिंपल से एक ही मसाले से सारा कुछ बन जाएगा अच्छे से। अब देखिए गाइस, इस ये दो स्पून मलाई है हमारी दूध की, ताजी मलाई जो कि हम सिंपल घर में रख देते हैं फ्रिज में दूध तो उसी बन जाती है, तो वही दो स्पून हम मलाई इसमें ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से इसी के साथ पकाएंगे, ठीक है, तो इसको भी अच्छे से इसी के साथ पका लेंगे बढ़िया से। ये देखिए गाइस, ग्रेवी के ऊपर जो हल्का हल्का सा ऑयल दिखने लगा है, तो उसमें जो ये एक सैसे हमारा बचा था मैगी मसाला का, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो पका लेंगे अच्छे से। देखिए गाइस, अभी अच्छे से भुना नहीं है, अभी इसको और थोड़ा सा अच्छे से भूनना है, तो भूनते फिर। ये देखिए गाइस, हमारा मसाला भून चुका है, कितना सारा ऑयल आप देख रहे होंगे, घी और ऑयल आ गया है सर, तो इसमें हम एक कटोरी पहले पानी ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें और कितना ऐड करना है। ये देखिए, टू कटोरी पानी हमने ऐड किया और इस ग्रेवी को हम पका लेंगे अच्छे से, ठीक है, और अब इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे इस टाइम पर। ये देखिए, हाफ स्पून हमने नमक ऐड किया हुआ, देखिए नमक अपने हिसाब से ऐड करिएगा, स्वाद के अनुसार नमक है, मिर्च है, मसाले सब अपने स्वाद के अनुसार ऐड करिएगा, क्योंकि हमारे कोफ्ते में भी नमक है, तो अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे बढ़िया से। ये देखिए गाइस, बॉयल आ चुका है, तो इसको हम अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि अगर आप लाल मिर्च डाल देते हैं, ठीक है, तो इसका जो कलर ये इस तरह से आया हुआ है, तो इस तरह से ना आकर के रेड आएगा थोड़ा सा, जैसे होटल वगैरह में आता है उसी तरह से, तो इसको अच्छे से पकाएंगे और
ये देखिए गाइस हमारा बनकर रेडी है। इतना हमें इतना ठीक अच्छा लगता है, आप लोग और चाहें ज़्यादा चाहें तो वो भी ठीक कर सकते हैं। तो इसको हम बंद कर देंगे और अब इसमें हम डालेंगे धनिया हरी। ये देखिए ये हमारी सूखी धनिया है जिसको हम इसमें ऐड करेंगे। हरी धनिया को सुखा लिया है वही है। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और अब इसको हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद अपनी ये मंचूरियन बॉल्स हैं या मैगी बॉल्स हैं कोफ्ते वाली, तो वो इसमें हम ऐड करेंगे इस तरह से। और ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे, क्योंकि देखिए ये इतना थिक है, ये अभी और थिक हो जाएगा क्योंकि जब ग्रेवी हमारी थिक होती है ना, ठंडी हो जाती है तो थिक हो जाती है। तो इसको हम बढ़िया से ऐसे मिला देंगे और इसको हम थिक करेंगे। देखिए हम घर के हिसाब से बनाते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं बनाते हैं, ये हमने सब्जी बनाई हुई है जो। चलिए ये तो बन चुका है, चलिए इसको सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस ये रही आज की हमारी रेसिपी मैगी के कोफ्ते। तो आप लोग प्लीज ये रेसिपी एक बार घर में बना के और टेस्ट जरूर करिएगा, तभी पता चलेगा कि ये कितना टेस्टी और कितना यम्मी बनता है। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।